हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन प्रिंटर एंड डिजाइनर में। मैं राकेश दक्ष आज आपको 3D लोगो बनाना सिखाऊंगा जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों इसके माध्यम से आप डिज़ाइनिंग अच्छी तरह सीख सकते हैं। दोस्तों मैंने सबसे पहले एक सर्कल लिया। मैं सर्कल आपको ड्रॉ करना हर बार बताता हूँ कि कंट्रोल के साथ आप सर्कल को ड्रॉ करें, कंट्रोल के साथ सर्कल बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के माध्यम से मैं इसको पेस्ट करता हूँ। आप प्लस के साथ कर सकते हैं, आप राइट क्लिक के साथ कर सकते हैं, मैंने वो ट्रिक भी बताई हुई है आपको। मैंने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी के माध्यम से किया, शिफ्ट के साथ मैंने माउस से इसको अंदर की ओर छोटा सर्कल बना लिया है। दोस्तों इसके बाद मैंने क्या किया, दोनों को सेलेक्ट किया, ट्रिम वाला जो टूल्स है उसको इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। ट्रिम को सेलेक्ट करें, ट्रिम का टूल का जैसा आप इस्तेमाल करोगे तो उसके अंदर एक गोला दिख रहा है आपको, ये मैंने डिलीट किया है। डिलीट करने के बाद दोस्तों मैंने इसको माउस के साथ दोबारा सेलेक्ट किया और माउस से ही सिंपली इसको ऊपर की ओर टर्न कर दिया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर मैं इसको एक्सट्रूड जो टूल्स होता है हमारा 3D अप्लाई करने वाला, दोस्तों अगर मैं उसको बिना कलर के इस्तेमाल करूंगा तो दोस्तों शायद आपको समझ नहीं आएगा। तो सिंपली दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि मैं पहले सबसे पहले इसमें कलर करता हूं। मैंने 20% ब्लैक लिया है। उसके बाद दोस्तों मैं अब इसके अंदर 3D जो टूल्स होता है अप्लाई करने वाला, दोस्तों एक्सट्रूड शायद उसका नाम है दोस्तों, तो मैंने उसको अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद दोस्तों जिसको टाइप्स हैं, लास्ट वाला जो टाइप है मैंने दोस्तों उसके ऊपर क्लिक किया। आप माउस को देखते रहें, क्लिक करने के बाद सिंपली दोस्तों मेरा 3D जो सर्कल है वो आपके सामने रेडी है। आप इसको जितनी ऊंचाई जितनी आपको लगानी है, छोटी करनी है, बड़ी करनी है, आप उससे कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद मैंने कंट्रोल के हमारी शॉर्टकट की, आप उससे कर सकते हैं राइट क्लिक के साथ जैसे मैंने आपको दिखाया। उसके बाद मैंने एक तरफ जो इसके नीचे सर्कल बचा हुआ था मैंने उसको भी डिलीट किया। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल यू के साथ मैं इसको अनग्रुप कर रहा हूँ या राइट क्लिक के साथ अनग्रुप ऑल सब्जेक्ट को, मैं ऑब्जेक्ट को मैंने क्लिक किया। उसके बाद दोस्तों सभी मेरे जो इसके सब पार्ट्स हैं वो अलग अलग हो चुके हैं। दोस्तों उसके बाद मैं इसके अंदर कलर फिल करूँगा। कलर फिल करने का मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ कि आप कंट्रोल उसकी शॉर्टकट की ओनली जी है या इंटरेक्टिव फिल वाला जो टूल है दोस्तों, मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपको, उसके माध्यम से मैं इसमें डबल कलर करूँगा। तीन कलर कर सकते हैं, चार कर सकते हैं, पांच कर सकते हैं। मैंने इधर ब्लैक रेड कलर लिया। उसके बाद डबल क्लिक मैंने यहाँ पे किया तो मैंने वाइट किया। उसके बाद और मैंने डबल क्लिक किया, फिर मैंने ऑरेंज कलर लिया। इसके बाद मैंने रेड लिया, इसके बाद मैंने वाइट कलर लिया। दोस्तों आप इसके अंदर तीन कलर चार कलर कर सकते हैं। बीच में अगर आपको कलर करना है तो डबल क्लिक करना होगा। दोस्तों मैं इसकी आउटलाइन को गायब करता हूँ, यहाँ से राइट क्लिक से आउटलाइन गायब हो सकती है। दोस्तों एक तरीका और है, आप नन जो ऊपर दिखा हुआ है लाइन का आप उससे भी कर सकते हैं। दोस्तों अब जो इसके अंदर वाला पार्ट है मैं उसमें भी सेम यही कलर करूँगा। इसका आसान तरीका यही है दोस्तों, पहले इसके आउटलाइन को गायब किया, इंटरेक्टिव फिल या जिसकी शॉर्टकट की जी है उसको मैंने क्लिक किया, फिल कॉपी को मैंने सेलेक्ट को दबाया और इस पे लाके मैंने क्लिक कर दिया माउस के माध्यम से। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कलर सेम टू सेम उसके अंदर कॉपी हो गया। हमारा 3D लगभग बहुत सुंदर बनना तैयार हो चुका है। दोस्तों ऊपर का जो सर्कल है उसको मैंने ब्लू कलर किया, इसको भी मैं दो कलर करूँगा। दो कलर करने के लिए इसका जो टूल्स है इंटरेक्टिव फिल, मैं उसका इस्तेमाल करूँगा। दोस्तों उसका इस्तेमाल करने के बाद मैंने इधर लाइट ही ब्लू कलर लिया है। दोस्तों हमारा कलर तैयार हो चुका है। अब उसकी आउटलाइन को भी दोस्तों मैं 2 पॉइंट की आउटलाइन लेता हूँ। आउटलाइन में भी दोस्तों आप दो तीन कलर कर सकते हैं। उसका सिंपल तरीका यह है, शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू आप प्रेस करना, आपकी आउटलाइन अलग हो जाएगी। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, कोरल तभी काम करता है जब आपका लेयर टू लेयर कोरल काम करता है। जो ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट होगा वही जो एक्शन होगा वो उसी ऑब्जेक्ट पर शिफ्ट होगा। दोस्तों मैंने आउटलाइन को सेलेक्ट किया, अब जो मैं एक्शन लगाऊंगा दोस्तों वो इसी लेयर पर वो काम करेगा। उसके बाद दोस्तों मैंने इंटरेक्टिव फिल के माध्यम से दो कलर तीन कलर जिस जो भी आपको सुटेबल लगता है आप उसके माध्यम से इसको कर सकते हैं। मैंने
इसके बाद दोस्तों मैं इसके अंदर जो वाइट दिख रहा है उसके अंदर क्लिक करूँगा। क्लिक कर इसका जो कलर फील होगा वो दोस्तों स्मार्ट जो टूल है उसके माध्यम से, स्मार्ट टूल के माध्यम से फील होगा। मैंने स्मार्ट टूल को लिया, वहाँ से इसको सिंपली क्लिक किया। सिंपली क्लिक करने के बाद दोस्तों अब मैं इसको क्या करूँगा, वही जो बाहर कलर हमने दिए हैं वही दूंगा। उसका कलर देने का सिंपल तरीका यही है दोस्तों, इंटरेक्टिव फील के माध्यम से। मैं इसको पहले सेलेक्ट करूंगा, इंटरेक्टिव फील को क्लिक करूंगा, उसके बाद क्लिक करने के बाद कॉपी फील को, ये देखो दोस्तों हमारा उसके अंदर वही सेम कलर हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, बिट मैप पे मैंने को जाना है, वहाँ पे जाने के बाद मेरे को इसको बिट मैप करना है, कन्वर्ट टू बिट मैप। उसके बाद मैंने इसको दोबारा बिट मैप पे जाना है, ब्लर पे जाना है, और ग्यूशन जो क्लिप ब्लर है मैं उसको क्लिक करूँगा। उसके बाद ये देखो दोस्तों हमारा लगभग जो सर्कल वाला डिज़ाइन है वो तैयार है। उसके बाद दोस्तों मैं बॉल की तैयारी करूंगा। बॉल को तैयार करने के लिए अगर आपको बॉल थोड़ा फास्टली करूंगा, क्योंकि मैंने बॉल के ऊपर एक 3D बॉल के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं सर्कल लेता हूं, मैं यहां भी बना करके आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो। उसके बाद मैंने सर्कल लिया, सर्कल के अंदर मैंने दो कलर फिल किए हैं। दो कलर फिल करने के बाद वही जी के माध्यम से, इंटरेक्टिव के माध्यम से, इसके बाद मैंने राइट क्लिक के साथ छोड़ दिया, कंट्रोल आर मैं प्रेस करता चले जाऊँ, कंट्रोल आर के साथ मैंने सभी को कॉपी कर लिया। उसके बाद मैंने सभी को सेलेक्ट किया, नीचे राइट क्लिक के साथ छोड़ दिया, उसके बाद कंटिन्यूसली वही अगेन एंड अगेन कंट्रोल आर कंट्रोल आर कंट्रोल आर के माध्यम से हमारा हो चुका है। मैं इसके बाद और एक सर्कल लूँगा वाइट कलर का, जो मैं इसके ऊपर रखूँगा जिससे मैंने 3D बॉल को बनाना है। मैंने सर्कल लिया वाइट कलर का, मैंने इसके ऊपर सर्कल को रख दिया है, सर्कल को इतना रखे ताकि सर्कल इस डिज़ाइन के अंदर अंदर आ सके। इफेक्ट में चले गए, लेंस में मैंने क्लिक किया। लेंस में जाने के बाद दोस्तों फिश आई के नाम से एक टूल्स होता है, मैंने उसको इस्तेमाल किया, उसको क्लिक किया फ्रोजन, इसको क्लिक करने के बाद फ्रोजन पे आपको क्लिक जरूर करना होगा, उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करना, आपके 3D बॉल लगभग तैयार हो चुकी है। दोस्तों मैंने इसको एक साइड रख लिया है, मैं इसको एक साइड रख लेता हूँ। साइड एक साइड रखने के बाद जो हमारी बबल्स हैं मैंने इसको डिलीट कर दिया। इसके बाद से इसकी सभी आउटलाइनें मैंने गायब की। आउटलाइन गायब करने के बाद दोस्तों मैं इसको कंट्रोल यू करता हूं या अनग्रुप करता हूं राइट क्लिक के साथ, मैंने इसको अनग्रुप कर लिया है। दोस्तों इसके अंदर एक सर्कल होता है, अगर आप उसके अंदर कलर फिल करने के तो ये ऐसा आएगा, नहीं होगा, आपको इस सर्कल को डिलीट करना है। इसके बाद जो सर्कल पे आप क्लिक करोगे उस पर अगर आप कलर फिल करोगे तो ये सुंदर डिज़ाइन आपको दिखाई देगा। दोस्तों उसी पर करना है, कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। मैं इसके अंदर भी दो कलर करूँगा, कंट्रोल इंटरेक्टिव फिल के माध्यम से राइट कलर ब्लू कलर, और मैंने इसको अब सर्कल के अंदर मैंने इसको सेट करना है। अब मैं सर्कल के अंदर इसको मैं इसका बेस बनाऊंगा। दोस्तों मुझे इसके बेस भी बनाना है। बेस बनाने के लिए मैंने सर्कल लिया, कन्वर्ट टू बिट मैप किया, उसके बाद बिट मैप पे जाके मैंने ब्लर किया, विजन ब्लर, ब्लर आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकती हैं, शिफ्ट के साथ डाउन किया। उसके बाद दोस्तों छोटा बड़ा करके जो भी आपको करना है दोस्तों, उसके बाद मैंने इसको सर्कल के अंदर रखना है। दोस्तों मैंने इसको सर्कल के अंदर अब रख लिया है। सर्कल के अंदर रखने के बाद दोस्तों अब मैं इसके बाद आपको जो सिखाने वाला हूँ, मैं इसके बाद आपको सिखाऊंगा जो साइड में मैंने नाम लिखे हुए हैं, अब आपको नाम लिखाऊंगा, लिखना बताऊंगा। दोस्तों नाम लिखने के लिए मैंने पहले नाम को लिखा राकेश दक्ष, मैं इसके अंदर लिखूँगा। मैंने अपना नाम टाइप कर लिया है राकेश दक्ष, एंटर के करके मैंने दक्ष को सेलेक्ट, दक्ष भी लिखा है। दक्ष लिखने के बाद दोस्तों कंट्रोल के से मैंने दोनों लाइन को तोड़ लिया। उसके बाद दोस्तों मैं फ़ॉन्ट को थोड़ा बोल्ड लूँगा ताकि डिज़ाइन और सुंदर अच्छा दिखाई दे। आप कोई सा भी फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों जो मैं कर रहा हूँ आप वही करें, आप कोई सा भी फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं सिंपली इसको मैंने वहाँ पर रख दिया है। दोस्तों दो तरीके होते हैं, या तो आप एक तरीका, मैं दोनों तरीके मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी आपको सुंदर लगे आप उसके माध्यम से कर सकते हैं। या तो पहला जो तरीका है आप सीधे इसको सेलेक्ट करें, टेक्स्ट में जाएँ, टेस्ट के जा के बाद आपको फिल फिट टू पाथ का ऑप्शन मिलेगा, आप सिंपली जिस पे रखना चाहते हैं उस पे जा कर के इसको छोड़ दें। दोस्तों आपका सिंपली डिज़ाइन बिल्कुल तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरे को ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इसको दूसरे टूल के माध्यम से करूँगा। दूसरा टूल जो है वो दोस्तों एनवलप वाला है। एनवलप जिस टूल में 3D वाला ऑप्शन था उसी में एनवलप का एक टूल्स है दोस्तों, मैं उसको क्लिक करूँगा। उसको क्लिक करने के बाद मैंने उसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों बीच में दो अपार्ट होते हैं दोस्तों, मैंने